मुझे तो महामंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की दायित्व दिया गया था इंचार्ज होने के नाते, और प्रभारी के नाते मैं सदर्न उड़ीसा में दौरा कर चुकी हूँ, ज़्यादातर चार जिले में जा चुकी हूँ। और यहाँ अब इस प्रांत में कल मैं झारसुगुड़ा आई थी और वहाँ का समीक्षा हुआ, और अब मैं बरगढ़ जिले में हूँ, यहाँ का भी समीक्षा करना अभी बाकी है जहाँ पे हम जा रहे हैं। मेरा दायित्व यही होता है प्रभारी होने के नाते कि उड़ीसा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की संगठन कितना मजबूत है, कैसे हम तैयारी कर रहे हैं, अगर कुछ करेक्टिव मेजर्स लेना है तो कैसे ले, इन सभी विषयों पर ध्यान देते हुए हमारे जो सीनियर नेता लोग हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन सभी से बात करके उनके जो मनोभाव है जानकर उसका फीडबैक लेके जाना, और ऊपर हमारी जो शीर्ष नेतृत्व होगा उनको यहाँ का रिपोर्ट देना, ये मेरा दायित्व बनता है। और इसी दायित्व को लेके मैं आज यहाँ बरगढ़ में भी आई हुई हूँ। कल झारसुगुड़ा गई थी, झारसुगुड़ा में समीक्षा हुआ, और जहाँ तक समीक्षा हुआ ठीक ठाक तल तो चल रहा है, और थोड़ा मजबूत होने की ज़रूरत तो है ही झारसुगुड़ा में, और हमारे कार्यकर्ता लोग इस विषय पर दृष्टि दे रहे हैं। और वैसे ही आज मैं बरगढ़ में हूँ, और जो उत्साह मैं देख रही हूँ अपनी कार्यकर्ताओं के अंदर, ऐसा लग रहा कि ये अभी से तैयार है जो चुनाव आने वाले हैं 2024 में, उनके लिए हमारे कार्यकर्ता पूर्णतः तैयार है, और वो चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाई मैदान में उतरने के लिए उत्सुक भी है। ऐसा तो मुझे सीधा और साफ मेरे कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद मुझे लग रहा है। और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से, यहाँ उड़ीसा के जो प्रजा है उनको बताना चाहती हूँ कि हम डेवलपमेंट को लेके लोगों के पास जाएंगे, यही मुद्दा बनेगा हमारा उड़ीसा के चुनाव आने वाले चुनाव में। और जो अच्छा काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी देश को अपने प्रशासन के अंदर दे रहे हैं, उनको भी हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों तक लेके जाना चाहते हैं। सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी जी शासन यानी के अधिकार में आए हुए 20 साल हुए, अधिकार माने 3 पर्याय उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री के नाते, और अभी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनका 20 साल हुआ है प्रशासन में रहते हुए। और गुजरात में जैसे उन्होंने डेवलपमेंट किए थे, वैसे ही भारत देश को भी वृद्धि के पद पर अपने अच्छे कामों के द्वारा और अच्छी प्रशासन के द्वारा वो लेके जा रहे हैं। जैसे इन 7 सालों में वो प्रधानमंत्री होने के नाते, वो जब से अधिकार के पद पर आए हैं, उन्होंने अधिकार लेते हुए उन्होंने यही कहा कि मैं इस देश का प्रधान सेवक हूँ, ये नहीं कहे थे कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, पर अपने को प्रधान सेवक मानते हुए इन 7 सालों में उन्होंने बहुत सारे योजनाएं इस देश के गरीब दबके और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन सभी के विकास चाहते हुए उन्होंने बहुत सारे योजनाएं आगे लेके आए, जैसे जनधन हो सकता है, जीवन ज्योति योजना, जीवन सुरक्षित योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल पेंशन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृत्व वंदन योजना, मातृत्व सुरक्षित योजना, प्रधानमंत्री फसल योजना, किसान सम्मान योजना, ये इन सभी योजनाओं, अगर मैं बस थोड़ी ही की उल्लेखन कर रही हूँ अभी, पर जो भी योजना आप देखकर उनकी अगर एक बार समीक्षा करोगे तो सभी को ये नज़र में आएगा कि देश का प्रधानमंत्री देश के गरीबों के विकास चाहते हुए उन्होंने बहुत सारे योजनाएं आगे लेके आए हैं। आज भी अगर देखोगे तो जिस तरह से उन्होंने लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं, उनको लेकर जो कॉमन मैन में, साधारण के जीवन में जो दिक्कतें वो सामना कर रहे हैं उनको नज़र में रखते हुए अभी केंद्र सरकार ने 5 रुपये पेट्रोल पर और 10 रुपये डीजल पर कम किए हैं। बस हम यही आपके माध्यम से, यहाँ के प्रशासन से हम यही पूछना चाहते हैं कि आप केवल और केवल 3 रुपये कम किए हैं, जितना केंद्र सरकार ने किया था। जब भी प्राइसेस बढ़ते गए
आप भी उसी के समान प्राइजेस बढ़ाए थे यहाँ पे भी, तो जितना कम हुआ उतना आपको भी कम करना है, पर आपने तो केवल और केवल 3 रुपये कम किए। ये लोगों को कोई भी वो ब्रीदिंग स्पेस नहीं देने वाली काम होती है। सो हमारी भाजपा का डिमांड यही होगी कि जितना केंद्र सरकार ने कम किया, आपने भी टैक्सेस बढ़ाए, ये भी भार है लोगों पर। अगर आप देखोगे तो यूपी में 11 रुपये कम किया है यूपी के सरकार। वैसे जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी प्रशासन में है, उन्होंने केंद्र सरकार के इक्वल उन्होंने अपना प्राइसेस कम किए हैं, वैसे ही यहाँ भी कम करें, यही भाजपा का डिमांड होगा यहाँ के प्रशासन से। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं प्रदेश में, इन पर्टिकुलर महिलाओं के ऊपर जो दुराक्रम होते जा रहे हैं, हमने परी का भूला ही नहीं, इतने के अंदर हमने ममिता का जो इंसिडेंट हुआ है उसे उसको सामना करना पड़ रहा है। और जिस लैक ऑफ ह्यूमेननेस से उनको मारा गया, बेदर्दी से उनको मारा गया, ये कोई भी महिला सहने वाली बात नहीं है। महिला ही नहीं, आई थिंक ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी इसको मानकर चलने वाली नहीं होगी। और हमको दुख की इस बात की है कि एक तरफ ममता बहन की इतनी बेदर्दी से उनकी हत्या हुई, और दूसरी तरह प्रशासन के जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो दिव्या शंकर मिश्रा जी जो उनके बहुत नज़दीकी उनकी लेन देन है उस स्कूल की मैनेजमेंट के साथ, उनको बाजू बिठा कर प्रशासन के कार्यक्रम होते हैं। तो हमको यही पूछना है यहाँ की प्रशासन से, क्या आप संरक्षण दे रहे हैं जो यहाँ के हत्यारे हैं, यहाँ के जो कल्प्रित है, यहाँ के जो भ्रष्टाचारी नेता है, आप उनको संरक्षण दे रहे हैं क्या? अगर आप सामने बिठाकर आप प्रशासन के कार्यक्रम कर रहे हो तो इसका मतलब यही जाता। तो हम डिमांड करते हैं, जैसे हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता रस्ते में उतरे हुए वो एजिटेशन करते जा रहे हैं और डिमांड करते आए हैं कि उनका इस्तीफा देना है या उनको बर्खास्त करना है, पर वो कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमको लगता है और यहाँ के सामान्य प्रजा को भी यही लगता है कि यहाँ का प्रशासन ऐसे भ्रष्टाचार नेता को, जो हत्यारे हैं, जो कल्प्रित है, उनको संरक्षण देते जा रही है। एक तरह कहते हैं कि हम स्त्री शक्ति का एक डिपार्टमेंट खोले हैं, और दूसरी तरह हम पूछना चाहते हैं कि उन्हीं महिलाओं को क्या संरक्षण दे रहे हैं आप उड़ीसा के अंदर। और अगर आप NCRB रिपोर्ट देखोगे तो उनका कहना यही है कि एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन में उड़ीसा हैज टेकन द फर्स्ट प्लेस। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि दिव्या शंकर मिश्रा जी को बर्खास्त करना है और उनको उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और ज़रूर ऐसे भ्रष्टाचारी जो नेता लोग बहुत सारे हैं, हमने सुने हैं कि जो किसानों को जो सुविधा मिलती है उनमें भी भ्रष्टाचार होता है। तो आप किसानों के साथ खड़ा होने वाले प्रशासन कैसे कह सकते हो? जो कालिया के अंदर जो केंद्र सरकार देती है हर साल 6,000 रुपये जो किसानों को देती है, वो समय समय पे उनके खाता में आ जाता है, पर यहाँ खालिया के अंदर जो किसानों को आना है उनका इक्वल अमाउंट जो आना है वो तो समय पर आती ही नहीं। और मैं गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि उड़ीसा में जो भी विकास का कार्यक्रम यहाँ इस प्रदेश में हो रही है वो बिल्कुल केंद्र सरकार के बदौलत, उनके अंदर जो पैसे उड़ीसा को आ रहा है उसी के अंदर यहाँ डेवलपमेंट हो रही है। आप घर को देखो, पानी की सुविधा देखिए, आप विद्युतीकरण की बात देखिए, यहाँ तक चावल भी, अगर आप गरीबों को 1 रुपये 2 रुपये में दे रही हो उनको चावल, तो उसमें से 29-30 रुपीज सब्सिडी केंद्र सरकार का भागीदारी है। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि जब आप इतना काम यहाँ केंद्र सरकार के सहायता से कर रहे हो तो अपना पोस्टर कैसे चिपका सकते हो उस पर? अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जितने भी घर दिया जाता है यहाँ के गरीबों को, उसमें चिपका जाता है बिजू पक्का घर का पोस्टर। ये कैसा हो सकता है?
एक तरह अगर प्रदेश सरकार भी अपनी भागीदारी के अंदर देती है तो दूसरी तरफ मोदी जी भी दे रहे हैं ना, तो मोदी जी का भी पिक्चर होनी चाहिए, उनका भी चित्र लगना चाहिए वहां पे। तो हमारा डिमांड है कि आप क्यों नहीं लगा रही हो और लोगों को क्यों नहीं बता रही हो कि इन सभी योजनाओं के अंदर केंद्र सरकार की भागीदारी है। इसलिए हम गर्व के साथ फिर से दोहरा रहे हैं कि उड़ीसा में जितना भी विकास हो रहा है वो केंद्र सरकार और भाजपा की भागीदारी से ही हो रहा है। ये हम साफ साफ लोगों को कहना चाहते हैं और हम आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को ये भी कहना चाहते हैं कि भाजपा अन्य राजनीतिक दलों से अलग दल है। मैं अलग इसलिए कह रही हूँ, आप पूछ सकते हैं कि भाजपा भी चुनाव लड़ना चाहती है, जीतना चाहती है, सत्ता में आना चाहती है, तो आप अलग कैसे हो? हम अलग है, इसलिए अलग है क्योंकि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम भी जीतना चाहते हैं, हम भी सत्ता में आना चाहते हैं। पर सत्ता भाजपा के लिए केवल अधिकार चलाने वाली माध्यम नहीं है, वो लोगों को सेवा करने वाले एक माध्यम मानकर भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रशासन देती है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने गर्व के साथ, अहंकार के साथ ये नहीं कहे कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, बल्कि उन्होंने विनम्रता के साथ यही कहे कि मैं इस देश का प्रधान सेवक हूँ। इसलिए मैं आपके माध्यम से उड़ीसा प्रदेश के लोगों से यही आग्रह करना चाहती हूँ कि आने वाले समय में अगर आप उड़ीसा को विकास के ऊंचे पद पर देखना चाहते हो, अगर आप यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन यहाँ चाहते हो, यहाँ दृढ़ता से नेतृत्व देने वाले प्रशासन अगर उड़ीसा में चाहते हो, तो आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में जरूर आप भाजपा को आशीर्वाद दें, वोट दें, हमको सत्ता में लेके आए तो हम उड़ीसा के लोगों के जरूर दिखाएंगे कि सच्चा विकास क्या होता है।